आप देख रहे हैं दखल न्यूज। एक नाबालिग युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, उसके बाद उसके परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। छतरपुर के इस मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। बक्सवाहा थाने के सुजारा गांव में एक नाबालिग की संदिग्ध हालत में मौत होने के बाद उनके परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि मृतक राजा घटना के दिन गाँव में घूमने गया था। जब वह घर वापस लौटा तो अचानक गिर गया और उसकी मौत हो गई। फरियादी पक्ष और जिन पर आरोप लगाया जा रहा है वो एक ही गांव के, एक ही समाज के हैं और पास पास खेती है, और इनका विवाद जो भी काफ़ी दो तीन महीनों से जो भी रहा हो, थाने में इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं की गई है, पर उनका आरोप है कि हमारे बेटे जो गाँव में था बाहर आया, दरवाजे पर आया और ख़त्म हो गया, पर उसने मरते दम बोला है कि मैंने इन्हें मारा है। तो मेरे द्वारा उनकी रिपोर्ट पर मर्ग 61/18 धारा 174 CRPC का दर्ज किया जाकर जांच में लिया है और मृतक का PM कराया जा रहा है, और कोई जाहरा चोट देखने पर कोई जाहरा चोट नहीं पाई गई है। PM रिपोर्ट में यदि कोई ऐसी बात आती है तो उस आधार पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला यह है कि वो 8:30 के बीच में गया था लेटरिंग के लिए, वो अचानक वहाँ से लौट के आया, बोलो कि मेरे को मार डाला है रामकिशन ने, रामकिशन के लड़का ने, अब इतनी कह के जमीन पर गिर पड़ा पिताजी की गोली में, अब खत्म हो गया। मृतक के परिजन का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ युवकों के उसका विवाद हुआ था, इसी विवाद के चलते उसकी हत्या हुई है। पुलिस ने मृतक का शव PM के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है PM रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।